दुनिया भर में सबसे ज्यादा पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने वाली कंपनियों में से एक मर्लिन एंटरटेनमेंट्स ने नोएडा स्थित डीएलएफ मॉल में वैक्स म्यूजियम मैडम तुषाद को जनता के लिए खोल दिया है। अब एक छत के नीचे लोग अपने पसंदीदा लोगों को देख सकेंगे और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवा सकेंगे। मैडम तुषाद के नए संग्रहालय में अलग अलग क्षेत्रों, इतिहास, खेलकूद, संगीत, फिल्म और टीवी आदि क्षेत्रों के प्रतिभाशाली और लोकप्रिय 50 हस्तियों के मोम के पुतले लगे हैं। मोम के इस पुतले को 20 अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने तैयार किया है, जिन्होंने इन पुतलों में अलग तरह का नया जादू जगाने के लिए एक साथ मिलकर 3 से 6 महीने तक काम किया है। इस जगह के आकर्षण और मैडम तुषाद संग्रहालय ने काफी लंबे समय से दर्शकों के दिल में अपने लिए खास जगह बनाई है। यहाँ आने वाले पर्यटकों और मेहमानों को कभी ना भूलने वाले सितारों से जुड़ा यादगार अनुभव प्रदान करेगी। मर्लिन एंटरटेनमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक और निदेशक अंशुल जैन ने कहा कि हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दुनिया का सबसे मशहूर वैक्स म्यूजियम मैडम तुषाद संग्रहालय अब भारत में खोला जा रहा है। अब भारत में मैडम तुषाद संग्रहालय एक नई और रोमांचक जगह नोएडा के डीएलएफ मॉल ऑफ इंडिया में खुला है। ये मोम के आकर्षक पुतले भारतीय उपभोक्ताओं को, जानी मानी हस्तियों और शख्सियतों को एक अनोखे अंदाज में देखने का अवसर प्रदान करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जरिए सारे दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी रिक्वेस्ट पे और उनके बार बार आग्रह पे हम मैडम टुसॉड्स को इंडिया को दोबारा लेके आए हैं और एक बिल्कुल नए अवतार में। अगर मैं इस मैडम टुसॉड्स की बात करूँ, ये एक बिल्कुल मॉडर्न थीम में, घुसते ही अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही अलग तरीके की मॉडर्न अट्रैक्शन हमने बनाई है, जिसमें 5 अलग अलग जोन्स हैं। आज इस वक्त हम जो है वो हिस्ट्री एंड लीडर्स जोन में खड़े हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी के पास साथ में। हिस्ट्री एंड लीडर्स में हमारे पास और भी वैक्स फिगर्स हैं, जिसमें महात्मा गांधी जी भी हैं, अब्दुल कलाम जी भी हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल, काफ़ी और फिगर्स भी हैं। इसके अलावा हिस्ट्री एंड लीडर्स के अलावा हमारे पास फिल्म एंड टीवी है, जिसमें राज कपूर से लेकर रणबीर कपूर तक की हमारे पास फिगर्स हैं। तो हमने हर एज के लोगों को कवर किया है। अगर कोई राज कपूर का फैन है तो वो राज कपूर की फिगर को यहाँ पे आके इंजॉय कर सकता है और कोई रणबीर कपूर का फैन है तो वो भी उसको एंजॉय कर सकता है। सो फिल्म एंड टीवी, हिस्ट्री एंड लीडर्स और हमारी तीसरी लोकेशन है म्यूजिक। म्यूजिक में भी माइकल जैक्सन से लेके सोनू निगम से लेके लेडी गागा, यू नो, इंटरनेशनल और नेशनल सब तरीके के स्टार्स हमारे पास हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स आ जाते हैं। स्पोर्ट्स में भी अगेन, जैसा मैंने आपको अभी बाकी जोन्स में भी बताया कि कपिल देव से लेके विराट कोहली, तो 1983 से लेके 2022 तक हमारे पास सब क्रिकेटर्स हैं। सो स्पोर्ट्स और नॉट ओनली क्रिकेटर्स, हमारे पास रनर्स भी हैं, मिल्खा सिंह जी भी, हुसैन बोल्ट, फुटबॉलर्स भी हैं। और उसके बाद बॉलीवुड और हॉलीवुड पार्टी, जिसमें ऋतिक रोशन से लेके स्कारलेट जॉनसन से लेके हर तरीके की फिगर्स हैं, जो कि हर आपके दर्शकों को बहुत पसंद आएगी। और हमारे सारे दर्शक एक बार जब इस अट्रैक्शन में आएंगे, वो ऐसा फील करेंगे कि बिल्कुल एक पार्टी जैसी एक फील है, जिसमें बच्चे भी सबके लिए कुछ है, 3 साल के बच्चे के लिए भी कुछ है और 70 साल के एजेड लोगों के लिए भी सब कुछ है। सो आइए मैडम टुसॉड्स इंडिया में 4th फ्लोर पे डीएलएफ मॉल में और एंजॉय कीजिए। सर, ये आम पब्लिक के लिए कब से खोला जाएगा और क्या टिकट के प्राइस है इसकी? ये आम पब्लिक के लिए आज 19 जुलाई को 2:30 के बाद ओपन हो जाएगा और उसके टिकट प्राइसेज हैं 960 रुपये और 760 रुपये फॉर एडल्ट एंड चाइल्ड।